तो जैसे हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल टूल्स में हमने आपको बताया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जितना जितना फिजिक्स में जरूरी था उतना मैंने कोऑर्डिनेट आपको बता दिया, इंटीग्रेशन बता दिया, डिफरेंशिएशन बता दिया। अब हम लोग एक छोटी सी बात होती है, कई सारे देखो वैसे तो ग्राफ जो है गणित का हिस्सा है और गणित के अंदर बहुत सारे ग्राफ होते हैं, और जो गणित वाले हमारे मित्र हैं वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक गणित पढ़ाते रहते, वो ग्राफ पढ़ाते रहते हैं और काफी बड़ा होता है गणित में। लेकिन फॉर्चुनेटली किस्मत की बात यह है कि फिजिक्स में जो ग्राफ है वो बहुत कम है। आज तक जो सवाल ग्राफ के आए होंगे आईटी में, मान लीजिए आप पीएमटी के अंदर जो भी सवाल आए होंगे, आप ये मान लीजिए कि उसमें से 90% से ज्यादा जो ग्राफ होंगे, ठीक है, वो या तो स्ट्रेट लाइन के होंगे या पैराबोला होंगे, ये कभी कभार एकाध सर्कल वर्कल कहा जाता है, नहीं तो कभी आता नहीं है। तो बेसिकली हमारे काम के जो ग्राफ हैं, हमारे यूज में जो ग्राफ हैं, जो फिजिक्स में काम आएंगे, वो ग्राफ कौन कौन से ग्राफ हैं, वो पहला है स्ट्रेट लाइन और दूसरा है सर्कल। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है उसको प्लॉट करना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है और फिर उस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहां m जो है इस लाइन का स्लोप कहा जाता है और c जो है इसको हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। m इस लाइन का स्लोप कहा जाता है और c इसका y इंटरसेप्ट क्या है, मतलब क्या है। अब मान लीजिए कि मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन का मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। कुछ इस तरह से मान लीजिए मैंने इसको लिखा, इधर x है इधर y है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है या किसी भी लाइन को बनाना है, तो लाइन के अगर मैं 2 पॉइंट ऐसे ले लूं, एक पॉइंट ये ले लूं एक पॉइंट ये ले लूं और इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूं तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अगर मुझे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है, पर आपने 7th क्लास में 9th क्लास में 10th क्लास में ग्राफ बनाए होंगे, तो ग्राफ बनाने में यही होता है ना कि x और y की बहुत सारी वैल्यूज लेकर के कुछ कुछ पॉइंट, जैसे ग्राफ पेपर पे बनाया होगा ना ग्राफ छोटी क्लासों में, तो कुछ कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं कि यहां पॉइंट बना लिया, कि यहां एक यहां एक यहां, फिर सबको ऐसे डॉटेड कनेक्ट कर देते हैं, ग्राफ बन जाता है। तो अब जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट लेता हूं एक्स बराबर जीरो। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक्स बराबर जीरो लूंगा तो एक्स जीरो कर दूंगा तो वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो सी के बराबर आ जाएगी। यानी कि जब एक्स जीरो होगा तो उस समय y c के बराबर होगा, ये वाली जो दूरी आएगी ये c के बराबर हो जाएगी। देखें x जीरो है तो, और उस समय y की वैल्यू c है, यानी एक पॉइंट ये मिल गया मुझे, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये लाइन गुजरेगी। अब एक बार हम y जीरो कर देते हैं, जैसे हमने y को जीरो कर दिया, एक बार यहां देखिए y को मैं जीरो अगर कर दूं, जीरो y को अगर मैं करूंगा तो अब इसका मतलब यह होगा कि mx प्लस c भी जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ c बाई m, तो x की जो वैल्यू आएगी। अब अगर मैं y जीरो कर दूंगा तो x माइनस c बाई m आ जाएगा, तो एक पॉइंट यहां कहीं मिल जाएगा इसको, ये इस लाइन का कर्व हो गया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसकी दूरी जो आएगी, वैसे तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा माइनस सी बाई एम कॉमा जीरो, और इसका कोऑर्डिनेट आएगा जीरो कॉमा सी। और अगर दूरी की बात करेंगे, सिर्फ दूरी दूरी, तो माइनस हटा दूंगा मैं, तो ये दूरी सी बाई एम के बराबर हो जाएगी। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है। और स्ट्रेट लाइन को अगर आपको प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के लिए आपको कोई भी दो पॉइंट ले लें, आप कोई भी दो पॉइंट ले लें एक्स वाई मान करके, और उन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, अब अगर आप ध्यान से देखें, इस एंगल को हम थीटा मान लें, तो टैन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो टैन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो एम के बराबर आ जाएगी। अगर यहां पर आप देखें तो टैन थीटा कितना होगा देखना जरा, हाइट अपॉन बेस, हाइट हो गया सी, बेस कितना हो गया सी बाई एम,
ये टेन थीटा किसके बराबर हो गया एम, इसीलिए हम लोग इसको स्लोप बोला करते थे। तो एम इसका स्लोप कहा जाता है और सी इसका वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है। और स्ट्रेट लाइन को आपको प्लॉट करना है, स्ट्रेट लाइन को बनाना है तो बहुत आसान होता है, कोई भी दो पॉइंट ढूंढ लो और फिर उसके बाद उन दोनों पॉइंट को मिला दो तो स्ट्रेट लाइन का कर्व बन जाता है। अब जैसे मैं कुछ स्ट्रेट लाइन में प्लॉट करने जा रहा हूं, ये देखिए स्टैंडर्ड लाइन हो गई, ये तो स्टैंडर्ड बातें हैं। अब जैसे मैं मान लीजिए सवाल दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन करके जो पहचान होती है वो यही होती है कि दोनों जो x और y होते हैं ना, दोनों की पावर 1 होती है। कहीं भी होंगे तो x की पावर भी, x में ऐसा नहीं कि स्क्वायर हो जाएगा y में, तो x और y दोनों की पावर 1 होती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के कर्व की पहचान होती है। अगर मुझे इसे प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के लिए मुझे कोई दो पॉइंट चाहिए, अगर दो कोई पॉइंट मिल गए, उन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो फिर ये ग्राफ बन जाएगा। अब जरा देखना वो दो पॉइंट में कैसे ढूंढ के निकालता हूं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, अब मुझे दो पॉइंट चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अब देखिएगा ध्यान से, एक्स बराबर अगर मैं जीरो कर दूंगा, अगर मैं एक्स जीरो कर दूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और थ्री बाई सिक्स तो वाई कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अगर एक्स जीरो करूंगा तो वाई टू हो जाएगा, तो एक पॉइंट मुझे यहां मिल गया, x 0 होगा तो y 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.2, ये एक पॉइंट हो गया। मैंने x 0 कर दिया तो y 2 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, y 0 कर देता हूं, y 0 करूंगा तो y के 0 करते ही x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो एक पॉइंट यहां पर 3.0 मिल गया। y 0 होगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, अब दो पॉइंट मिल गए। दो पॉइंट पर्याप्त होते हैं किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए, हम लोग इस तरह से लाइन को प्लॉट कर लेंगे। लाइन का कर्व कैसे प्लॉट करते हैं मान लीजिए वो मैं आपको सिखाने जा रहा था। तो एक समझ लीजिए कि ऐसा इक्वेशन दिया है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, मुझे इसका प्लॉट बनाना है। एक मिनट का पॉज करेंगे, पहले आप प्लॉट खुद बनाएंगे और फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो अगर मुझे इसका प्लॉट बनाना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक पॉइंट तो ले लेना हूं, x बराबर जीरो ले लिया मैंने, तो यहां से देखिए y 5 आ गया, x 0 पुट किया तो y 5 आ गया। दूसरा पॉइंट में y बराबर 0 ले रहा हूं, y बराबर 0 लूंगा, इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/3, दो पॉइंट आ गए, बन गया प्लॉट। x बराबर जब 0 था तो y 5 था, यानी ये कोई पॉइंट होगा 0.5, फिर y 0 था तो x -5/3 था, y 0 था तो x जो है वो -5/3 था, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5/3.0। इस तरह से हो जाएगा ये। x 0 था तो y 5 आ गया, फिर y 0 था, y 0 कर दिया तो x कितना आ जाएगा, -5/3, ठीक है, तो ये -5/3.0 जाएगा। तो इस तरह से इस लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन का कर्व जो है उसमें ध्यान रखना है कि x और y के बीच का जो रिलेशन होगा उसमें x और y दोनों की पावर 1 होगी, दोनों की पावर 1 होगी, ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी की पावर 0 भी हो सकती है, मान लीजिए x मतलब 1 से बड़ी पावर नहीं होगी x और y की। और दूसरी बात यह है कि आपको ग्राफ बनाना है तो आपको दो कोई पॉइंट चूज करने होंगे, और वो दो पॉइंट जो चूज करने होंगे उनके हिसाब से आप बना सकते हैं ग्राफ, ठीक है। एक और सिचुएशन में देता हूं आपको, क्वेश्चन है वेलोसिटी वी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवेन बाय वेलोसिटी वी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवेन बाय वी इज इक्वल टू 3t-5। वेलोसिटी वी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवेन बाय वी इज इक्वल टू 3t-5। प्लॉट ग्राफ बिटवीन वी एंड टी। वेलोसिटी वी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई वी इज इक्वल टू 3t-5।
प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड टी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन 3v = 3t-5 से दिया गया है, तो v और t के बीच का रिलेशन ग्राफ बनाओ। तो एक मिनट का पॉज लेके ग्राफ आप बनाएं और फिर मेरे साथ ग्राफ देखें। देखिए मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं बोर्ड के इस तरफ, इस हिस्से पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेलोसिटी इस तरह से दी गई है। अब मुझे ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं भाई, ये तो मुझे पता चल गया कि भाई टी की पावर भी 1 है और वी की पावर भी 1 है, तो अगर दोनों की पावर 1 है तो उस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो अब मैं कुछ इसके पॉइंट्स जोड़ता हूं, इधर मान लिया टी है, इधर वी है। अब अगर मैं देखिए टी बराबर 0 कर दूंगा, वी की वैल्यू देखिए मैं यहां दोबारा लिख दे रहा हूं 3t-5, अगर मैं टी बराबर 0 करता हूं तो वी आ जाएगा -5, वेलोसिटी है नेगेटिव तो हो ही सकती है। और अगर मैं वी बराबर 0 कर देता हूं, वी बराबर 0 कर देता हूं, ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3, वी -5 है, ठीक है, और वी 0 है तो ये टी 5/3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए दो पॉइंट मुझे मिल गए, अगर टी 0 है तो v -5 है, t 0 हो गया, v -5 हो गया, तो पहला पॉइंट ही आ जाएगा इसका 0, v -5 है ना, यहां आ जाएगा ये, अगर t 0 है तो v -5, हाँ तो बिल्कुल ये हो गया 0, -5, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, अगर v 0 है तो t 5/3 है, तो v 0 है तो t 5/3 है, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा 5/3, 0। इस तरह से हो जाएगा, तो हम लोग इसका ग्राफ आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन अगर आपको दिखती है तो उसको प्लॉट करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, ऐसा मान लीजिए आप। क्यों आसान होता है? क्योंकि आपको दो पॉइंट को एक बार आप जो एक्स कोऑर्डिनेट है 0 करो, वाई निकाल लो, फिर वाई 0 करके एक्स निकाल लो, और फिर दो पॉइंट आपको मिल गए, दोनों को मिला लो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन का आपको ग्राफ बनाना है या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया हुआ है, इक्वेशन लिखना है, तो बड़ी आसानी से हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और इक्वेशन सारी चीजें लिख सकते हैं, हम लोग बड़ी आसानी से इसको नोट लिखा जा सकता है। फिजिक्स के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कर्व आता है, जैसे स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया उसका प्लॉट और उसका इक्वेशन लिखना, उसी तरह से एक कर्व आता है पैराबोलिक कर्व आता है। जो पैराबोलिक कर्व होता है, मतलब ये दो मेन फिजिक्स के अंदर आते हैं जिनमें ग्राफ के सवाल बनते हैं, तो पैराबोला जो होता है उसके अंदर उसका जो इक्वेशन होता है, पहले तो मैं इक्वेशन बताऊं उसका, उसका जो इक्वेशन होता है पैराबोला का, वो कुछ इस टाइप का दिया रहता है, y = ax² + bx + c। यानी दो में से, जैसे x और y दो वेरिएबल होते हैं, तो एक की हाईएस्ट पावर 2 होगी और एक की हाईएस्ट पावर 1 होगी। मतलब कोई दो है तो जैसे x की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो y की हाईएस्ट पावर 1 होगी, या y की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो x की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी। इस तरह का इक्वेशन पैराबोला कहा जाता है। पैराबोला का मतलब अगर हम देखें तो पैराबोला देखने में कुछ इस टाइप से हो सकता है, जैसे ये जो पैराबोला होगा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन या तो इस टाइप के पैराबोला को बताएगा या तो इस टाइप के पैराबोला का। ये वाला जो पैराबोला होगा ये बेसिकली ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, इसका मुंह देखिए ऊपर की तरफ खुल रहा है ना, तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा। और ऐसा पैराबोला तब होता है व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। ये आपको दिमाग में रखना है कि पैराबोला का ये इक्वेशन बना है तो ये ओपनिंग अपवर्ड होता है अगर ए 0 से बड़ा होता है, और ये ओपनिंग डाउनवर्ड होता है इफ ए इज लेस देन 0। मैंने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है अगर वो 0 से बड़ा है तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, और अगर ये 0 से छोटा है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो ये तो पैराबोला के बारे में एक जैसे ग्राफिकल बातें हो गई। अब इसका प्लॉट हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इसका प्लॉट जब हमें बनाना होता है, ठीक है, जब हमें इसका प्लॉट बनाना होता है तो इसका प्लॉट कुछ इस तरह से होता है, जैसे y = ax² + bx + c दिया हुआ है ना, तो प्लॉट कुछ इस तरह से इसका बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक्स वाई प्लॉट अगर बनाना चाहता हूं, कुछ ऐसा बनेगा, मान लीजिए इधर x है, इधर y है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ये ऐसा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स बेसिकली वो पॉइंट है जहां से पैराबोला पलटी मारता है। पलटी मारने का मतलब ये हुआ कि जहां से वो जैसे नीचे आ रहा है तो ऊपर चला गया, या जैसे इस वाले केस में देखे ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ गया, ठीक है,
तो ये पॉइंट जो है ये वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, और वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ये माइनस बी बाई टू ए होता है। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये माइनस बी बाई टू ए के बराबर होता है। अब जब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए होगा तो एक्स की जगह माइनस बी बाई टू ए रख के हम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी होती है माइनस डी बाई टू ए, लेकिन उसको याद नहीं करना है आपको। अपने काम का यह है कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया, उस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो यहां पर रख करके, इस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पर रख करके हम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला है तो वो कुछ इस टाइप से होता है, उसका जो वर्टेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए होगा। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी बाई टू ए, अब यहां पर हम माइनस बी बाई टू ए रख करके और फिर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल करके और फिर पैराबोला का हम लोग प्लॉट बना लेते हैं। पैराबोला के प्लॉट में आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक की हाइएस्ट पावर टू होगी और दूसरे की हाइएस्ट पावर वन होगी, ये पैराबोला का स्टैंडर्ड कर्व होता है। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि पैराबोला का प्लॉट कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये देख दिया गया, ऐसा ग्राफ दे दिया गया, तो इस ग्राफ का मतलब ये इक्वेशन जो दिया गया है इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो किस तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका मैं आपको तरकीब सिखाने जा रहा हूं। इसमें देखिए ये पैराबोला जो होगा, सबसे पहले सोचिए कि पैराबोला का मुंह ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा। तो भाई देखो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव आ रहा है तो पैराबोला का मुंह ऊपर खुलेगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव आ रहा है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, तो इस पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। अब कुछ इसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स बना लेता हूं मैं। स्टैंडर्ड पॉइंट्स कैसे, एक बार मैं एक्स बराबर जीरो करता हूं, अगर मैं एक बराबर एक्स बराबर जीरो करूंगा तो एक्स बराबर जीरो करते ही वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो ये जो है 0,20 से गुजरेगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो है ये 0,20 जो पॉइंट है उससे गुजर रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसका वर्टेक्स ढूंढ के निकालें। वर्टेक्स का मतलब हाईएस्ट पॉइंट, जहां पर ये सॉरी जैसे ओपनिंग अपवर्ड है तो लोएस्ट पॉइंट हो गया, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड होता तो हाईएस्ट। तो खैर मैं वर्टेक्स इसका निकालता हूं। वर्टेक्स जो आता था उसका रूल क्या आता था, एक्स की वैल्यू आती थी माइनस बी बाई टू है, ये मैंने आपको बताया था, याद रखना है माइनस बी। अगर मैं इसका कंपेरिजन करूं, किससे कंपेरिजन मैं करने जा रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी -10, तो माइनस बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ -10 अपॉन 2a, a की वैल्यू कंपैरिजन से 5 आ जाएगी तो ये 2 into 5, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो इसका वर्टेक्स जो है वो x बराबर 1 पे होगा। अच्छा अगर मैं x 1 कर दूं तो y की वैल्यू जो आएगी, y एट x इज इक्वल टू 1, जरा देखें x इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं y लिखूंगा तो x बराबर 1 पे हो जाएगा 5 प्लस 20 माइनस 10, तो 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो y एट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 25, x की वैल्यू 1 कर दी हमने तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 हो जाएगा 15, ठीक है। तो y आ गया 15, तो यानी इसका वर्टेक्स जो होगा दैट विल बी 1,15। वर्टेक्स जो आएगा उसका x कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट इसका 15 हो जाएगा, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। अब देखिए ये इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया, कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बन रहा हो। ये 1 है, ये 15 है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट था ये 0,20 था, ये मैंने बताया था, चाहो एक आध पॉइंट और बना लो। ये 0,20 पॉइंट था, जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स आपका एक्स कोऑर्डिनेट इससे दिया जाता है माइनस बी बाई टू ए। अब वैल्यूज रखेंगे और रखने के बाद फिर सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई, फिर एक्स की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, यहां पर एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो वाई की वैल्यू 15 आ गई। तो इस तरह से हम लोग इसका इक्वेशन या ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। अब मैं कुछ और आपको सवाल बताने जा रहा हूं जिसमें ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सपोज करें वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, और आपसे कहा जाए कि भाई इसका ग्राफ बनाओ,
तो इसका ग्राफ वाई और एक्स के बीच जो ग्राफ बनाना है वो कैसे आप इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ आप बनाएं, एक मिनट का, डेढ़ मिनट का पॉज ले लें और फिर उसके बाद जो मेरा सोल्यूशन देखें। पॉज का मतलब अपना वीडियो पॉज करेंगे, आप अच्छे से उसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो देखेंगे। जब आप उसके बाद वीडियो देखेंगे तब आपको अपना मेथड और दोनों में जब कंपैरिजन होगा तो आपको अच्छे से इसकी फीलिंग आएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहला काम तो एक्स बराबर जीरो पे देख लूंगा, एक्स बराबर जीरो करूंगा तो वाई की वैल्यू टेन आ जाएगी। देख लो यहां से, x बराबर जीरो करूंगा तो y की वैल्यू टेन आ गई, एक तो ये आ गया। दूसरा इसका वर्टेक्स निकालना, x जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, x की ये वैल्यू आती है माइनस बी अपॉन टू ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू। अगर आप देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से तो कंपेयर करेंगे तो ये माइनस फाइव आएगा और a जो है वो वन आ गया, तो x की वैल्यू आ गई फाइव, नहीं a वन आ गया ना, हाँ तो फाइव बाई टू आएगी, x की वैल्यू 5 बाई टू आ जाएगी, तो इसका जो वर्टेक्स आएगा वो 5 बाई टू पर आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट उसका 5 बाई टू होगा। हाँ? अच्छा, अगर x 5 बाई टू है तो उस कंडीशन में y कितना होगा ये मैं निकाल सकता हूं, x की जगह 5 बाई टू कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं लिखने जा रहा हूं y एट x इज इक्वल टू 5 बाई टू इज इक्वल टू 5 बाई टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 बाई टू प्लस 10, ये आएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 25 बाई 4 माइनस 25 बाई 2, तो ये होगा माइनस ऑफ 25 बाई 4 प्लस 10, ये हो जाएगा। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 40 माइनस तो 15 बाई 4 आ जाएगा ये। तो जब x 5 बाई 2 होगा उस समय y जो है वो 15 बाई 4 हो जाएगा, y की ये वैल्यू आ गई 15 बाई 4, यही है इसका वर्टेक्स। कुछ इस टाइप से पैराबोला बन जाएगा। तो पैराबोला का प्लॉट बनाना है बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं पैराबोला का प्लॉट बनाने में। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो, फिर ये देखो कि मुंह ऊपर खुलेगा कि नीचे की तरफ। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक। फिर उसके बाद अब ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड पता चल गया, फिर x बराबर जीरो रख के देखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि भाई ये वाला जो पॉइंट x बराबर जीरो के कहां से गुजर रहा है पैराबोला। सबसे इंपॉर्टेंट पैराबोला प्लॉट करने में वर्टेक्स निकालते हैं, तो वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x को x की जो वैल्यू आती है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो आता है वो माइनस बी बाई टू आता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू आएगा, b की वैल्यू हो गई माइनस फाइव, a की वैल्यू टू हो गई, तो ये सॉल्व करने पे 5 बाई टू आ जाएगा, तो ये 5 बाई टू के बराबर इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर जैसे x कोऑर्डिनेट 5 बाई टू रखा तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो वर्टेक्स के x और y कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप वर्टेक्स के x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख करके और फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो अनलेस कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज जो है उनके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तब तक हम लोग उन क्वांटिटीज को फील नहीं कर पाएंगे। फील नहीं कर पाएंगे तो उनको हम समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटीज को और वेक्टर्स को डिटेल में, डिटेल का मतलब इतना डिटेल में नहीं कि मतलब गणित के हिसाब से हम पढ़े, लेकिन जितनी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है उतना हम वेक्टर क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनकी जो स्टडी है वो हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और टेंसर क्वांटिटीज होती हैं। टेंसर क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप हायर मैथ्स कभी परस्यू करोगे या हायर फिजिक्स परस्यू करोगे, मान लो कि आप ट्वेल्थ के बाद बीएससी या एमएससी ऑप्ट करते हो तो वहां पर टेंसर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिलहाल हमारे प्लस टू लेवल पर हम लोग टेंसर को डील नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज टेंसर होती हैं, टाइम टू टाइम जब वो क्वांटिटीज आएंगी तो हम बताते चले जाएंगे कि भाई ये टेंसर होती है। तो फिलहाल हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज जो है वेक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वेक्टर जो क्वांटिटीज होती है वो क्या होती है पहले मैं ये डिफाइन करूंगा, फिर ये बात करूंगा कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, और फिर उसके बाद वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन सारी प्रॉपर्टीज को मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। तो सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाए, तो
वेक्टर क्वांटिटी की जो पहली डेफिनेशन आती है, फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन ये आती है जो बच्चों के दिमाग में आती है, अभी आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में वेक्टर की डेफिनेशन यही आई होगी कि भाई ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन होता है उन्हें वेक्टर कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन अधूरी है। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन भी होता है लेकिन वो स्केलर होती है। वेक्टर की सही डेफिनेशन ये है कि ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड हो, बिल्कुल होना ही चाहिए, दूसरा उनके अंदर डायरेक्शन हो, डायरेक्शन होना ही चाहिए भाई, डायरेक्शन है तभी तो वेक्टर है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि वो वेक्टर एलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करें। जैसे जब आप बचपने में पढ़ते थे तो आपने स्केलर एलजेब्रा सीखा था, तीन और चार को जोड़े तो सात आया, तीन और चार को मल्टीप्लाई किए तो 12 आया, ये नॉर्मल एलजेब्रा था। एक वेक्टर एलजेब्रा होता है जिसमें हम लोग वेक्टर्स को जोड़ना घटाना, डिवीजन तो खैर वेक्टर का डिफाइन नहीं होता, मतलब वेक्टर का एलजेब्रा एक होता है, वो एलजेब्रा मैं आपको बताऊंगा जिसमें वेक्टर को जोड़ने के घटाने के मल्टीप्लाई करने के सारे नियम्स होते हैं, सारे जितने भी रूल्स होते हैं वो होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, जिनके अंदर दिशा यानी डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर एलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करती है। ठीक है, तो वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज Physical quantities which have magnitude, physical quantities which have magnitude, direction and physical quantities which have magnitude, direction and they obey the laws of vector algebra. They obey the laws of vector algebra. Vector algebra. Vector algebra मैं आपको सिखाऊंगा भाई, vector सिखाऊंगा, vector algebra तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। तो ऐसी physical quantities जो जिनमें दिशा होगा, मैग्नी मतलब जिसमें direction होगा, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा, और वो वेक्टर के जो जोड़ने के घटाने के मल्टीप्लाई करने के जो वेक्टर एलजेब्रा के रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगी, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर कहते हैं। कुछ बातें हैं जो यहां पर आपको समझनी जरूरी है। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है लेकिन वो वेक्टर नहीं स्केलर हो जाती है। ऐसी क्वांटिटीज कौन कौन सी है एक बार मैं नाम बताना आपको पसंद करूंगा कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं होती। मैं नाम बता दूं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट किसी तार में करंट बह रहा है तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा ही, तो उसमें डायरेक्शन भी हो गया। वैल्यू आती है करंट 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर, तो उसमें डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है लेकिन वो स्केलर होता है क्योंकि वेक्टर एलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी तरह से प्रेशर, जैसे मैं इस दीवार के ऊपर अगर इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो देखो इसमें डायरेक्शन है, मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूं तो डायरेक्शन तो है इसमें लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है क्योंकि ये वेक्टर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पाती। उसी तरह से आगे हम लोग एक क्वांटिटी पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन जो होता है वो सरफेस के अलोंग ही लगता है फोर्स, तो उसके अंदर भी डायरेक्शन होता है लेकिन वो भी वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए सरफेस टेंशन भी स्केलर हो जाती है। उसके अलावा समय, थोड़ी फिलोसफिकल बात हो गई, लेकिन टाइम जो होता है ये भी वेक्टर होता है क्योंकि समय के बारे में कहा जाता है कि हमेशा वो आगे ही बढ़ता रहता है, कभी समय पीछे नहीं होता। वो अलग बात है कि सिनेमा में देखोगे टाइम मशीन बन गई, समय पीछे आ गया, वो तो अलग बात है, लेकिन समय जो होता है उसमें भी डायरेक्शन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। समय हमेशा आगे बढ़ता है, आज तक कभी समय पीछे की तरफ लौट करके नहीं आया। इसका मतलब कि जो टाइम है वो टाइम भी एक मतलब उसमें डायरेक्शन तो है, दिशा तो है उसमें, लेकिन वो डायरेक्शन जो है वो इस तरह का है कि कभी वापस आ नहीं सकता है। तो वो भी टाइम भी जैसे 3 सेकंड जोड़ेंगे 4 सेकंड से तो 60 सेकंड आ जाएगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्टिल दे आर वेक्टर नॉट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं कर पाती है। तो उन क्वांटिटीज को मैं बता देता हूं, आपको लिख देता हूं, सम
क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन direction but some quantities which have magnitude direction but they are not vectors some quantities which have magnitude and direction but they are not vectors क्यों नहीं होती वेक्टर्स क्योंकि वेक्टर के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं कर पाती हैं अब वो क्वांटिटीज कौन कौन सी क्वांटिटीज है जैसे पहला मैं लिखता हूं सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक करंट इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी होती है दूसरा इसके अंदर प्रेशर में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ठीक है लेकिन ये स्केलर होता है तीसरा इसके अंदर आता है सरफेस टेंशन में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है लेकिन सरफेस टेंशन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और चौथा जो आता है वो टाइम समय में भी डायरेक्शन होता है लेकिन टाइम जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो जो मैं इतनी देर मैंने आपको जो बताया वो यही सिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि डायरेक्शन किसी चीज में आ गया तो वो वेक्टर हो गया हाँ? हर चमकती चीज सोना नहीं होती किसी भी चीज में डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर हो गया ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर उसको वेक्टर होना है तो उसे वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा बिना उसके वो वेक्टर नहीं हो पाएगा तो वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए डायरेक्शन भी होना चाहिए और वो क्वांटिटी वेक्टर के जो रूल्स हैं वेक्टर को जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करने के जो नियम है उन नियमों को वो फिजिकल क्वांटिटी सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर वो क्वांटिटी उन नियमों को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वेक्टर नहीं होगी तो जैसे वेक्टर्स की पहचान यहां पर आई थी कि भाई मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए डायरेक्शन भी होना चाहिए वेक्टर के लॉज को फॉलो भी करना चाहिए अब ये वेक्टर जो क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज आती हैं तो कुछ क्वांटिटीज का मैं आपको नाम बताता हूं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज होती है सिर्फ ऐसे जानकारी के लिए जैसे सबसे पहले तो एक क्वांटिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ेंगे भाई इस चैप्टर के बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे फिर वेलोसिटी आएगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी फिर उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी फिर उसके बाद फोर्स आएगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी फिर उसके बाद मोमेंटम आएगा ऐसे बहुत सारी मनमाड़ होंगी बहुत ढेर सारी क्वांटिटीज वेक्टर होंगी कुछ मैं जानबूझ के नाम आपको बता दे रहा हूं मोमेंटम आएगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी फिर इसी चैप्टर के अंदर एक टॉर्क आएगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी फिर इसी के अंदर एंगुलर मोमेंटम आएगा 11th का ही मैं बता रहा हूं अभी आपको एंगुलर मोमेंटम आएगा यह भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी उसके अलावा 12th के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यह भी वेक्टर क्वांटिटी होगी फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगी यह भी वेक्टर क्वांटिटी होगी फिर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी इसी तरह से एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा इसी तरह से आपका एक एंगुलर मोमेंटम आएगा और ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं मोमेंटम होगा इंपल्स होगा ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर आपको होंगी तो कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि भाई ये क्वांटिटीज और ये बार बार फिजिक्स में हर ब्रांच में जिस ब्रांच में भी आप फिजिक्स में इंटर करोगे कुछ वेक्टर क्वांटिटीज से आपका सामना होगा तो ये जो वेक्टर है इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से पूरी ताकत से पूरे एफर्ट के साथ पढ़ेंगे जिससे कि जब जब फिजिक्स के अंदर वो क्वांटिटीज आए तो हम थोड़ा अच्छा महसूस करें हमें लगे हाँ इस चीज के बारे में मैं जानता हूं ठीक है जब किसी चीज के बारे में हम पहले से जानते होते हैं पहले से सुन रखा होता है तो फिर हमें उसके बाद हम उसको डील करने में हमें आसानी होती है तो जो वेक्टर्स होते हैं मैंने कई तरह के वेक्टर्स के आपको एग्जांपल दिए ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिप्रेजेंट है सबसे पहले तो भाई ये हो गया कि भाई वेक्टर क्या है और वेक्टर के कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जब आप बुक में या कॉपी में इसको रिप्रेजेंट करोगे
रिप्रेजेंटेशन इसका, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से दिखाते हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा एक तीर से दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसका हमेशा ऐसा रहेगा, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, सिंबल तो ये होता है कि हम ए के ऊपर एक तीर लगा दें, तो ये मतलब ये ए जो भी क्वांटिटी होगी इसके ऊपर तीर एक छोटा सा लगा दिया, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा, इसके अंदर ये जो तीर है, तीर की जो दिशा होती है, जो भी तीर आपने लगाया हुआ है, इस तीर का डायरेक्शन जो है वेक्टर का डायरेक्शन होता है, और इस तीर की जो लंबाई होती है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तीर का जो सबसे आगे वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं हेड, इसको हेड बोलते हैं। तीर का जो सबसे पीछे वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेल। हेड और टेल दो होते हैं। तीर का डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन होता है और तीर की लंबाई जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर का, तो 50 मीटर का तो हमारा बोर्ड ही नहीं है कि मैं 50 मीटर लंबी लाइन बना सकूं, या 50 मीटर की आपकी कॉपी नहीं है, तो जो तीर की लंबाई होगी वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। जैसे मान लीजिए 50 मीटर है, तो अब आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर बना लेंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी उसके अंदर। तो कहने का मतलब कि जो तीर का डायरेक्शन होता है वो वेक्टर का डायरेक्शन होता है, और जो तीर की लंबाई होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन एक तीर से होता है, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ एरो is the direction of vector and length of the arrow is proportional to length of the arrow is proportional to the magnitude of the vector. Direction of arrow is the direction of vector and length of the arrow is proportional to the magnitude of the vector. Arrow का जो direction होता है वो उसके direction के proportional होता है, और arrow की जो length होती है वो उसके magnitude के proportional होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो vector है उसको represent करते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो इसके magnitude को बताती है, और इसकी दिशा जो है इसकी मतलब arrow की जो दिशा है वो vector के direction को बताती है। ठीक है, इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी बी है, वेक्टर है, तो उस पर तीर लगा देते हैं। कई बार क्या करते हैं, कुछ बुक्स में मैंने देखा हुआ है, जैसे इरोडो नाम की एक बुक है, उसमें क्या करते हैं कि बी अगर वेक्टर है ना तो उस पर तीर नहीं लगाएंगे, बी को खूब डार्क कर देंगे। कई सारी बुक्स में ये भी एक नोटेशन है, इससे बच्चे कंफ्यूज भी जाते हैं, गलत भी सवाल कई बार कर देते हैं। जैसे ये बी वेक्टर है तो तीर लगाने के बजाय इसको खूब ज्यादा डार्क कर दिया। ठीक है, तो ये वेक्टर, मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका स्टैंडर्ड जो हम लोग फॉलो करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो फॉलो होता है कि किसी भी चीज, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर एक छोटा सा तीर लगा दिया। लेकिन कहीं कई बार ऐसा होता है कि वो क्वांटिटी जो है उसको खूब ज्यादा डार्क ऐसे कर देंगे, तो इसका मतलब भी कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वे वेक्टर होती है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे इस प्रॉपर्टी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज करिए ये जो येलो कलर की चौक है, ठीक है, इसको एक वेक्टर मान लिया जाए, समझने के लिए इसको एक वेक्टर मान लिया। अब आपने इसको एक वेक्टर मान लिया तो इसकी कुछ लंबाई है, सपोज करिए 4 सेंटीमीटर है, और इसका डायरेक्शन इधर है। अब मान लो इस चौक को, यानी इस वेक्टर को मैं इसके खुद के पैरेलल, इसको पैरेलल यहां लेके आ गया मैं, तो अगर इसको इसके पैरेलल लेके आया हूं मैं तो इसका डायरेक्शन तो बदला नहीं, और डायरेक्शन नहीं बदला और डायरेक्शन भी नहीं बदला, और ध्यान से देखें तो इस चौक की लंबाई भी नहीं बदली है। तो अगर हम इस वेक्टर को इसके खुद के पैरेलल कहीं भी लेकर के चले जाएं तो वेक्टर वही रहेगा। क्यों वही रहेगा, ना तो पैरेलल ले जा रहे हैं तो दिशा भी नहीं बदली और इसकी लंबाई तो हमने इंटैक्ट रखी है। तो अगर हम किसी वेक्टर को, वेक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है,
जिसे हम लोग बार बार यूज करते हैं सवालों में, हम किसी भी वेक्टर को अगर उसके पैरेलल लेके चले जाएं, ठीक है, तो वेक्टर जो है अनचेंज रहता है, वेक्टर सेम रहता है, वेक्टर में बदलाव नहीं होता है। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी लेकर के चले जाएं, ये वेक्टर यहां था, हम यहां से लेकर के इसको यहां लेके चले गए, रूम के बाहर चले गए, ठीक है, किसी जगह चले गए, घूमने चले गए, एफिल टावर पे चले गए, अगर ये पैरेलल है, वैसा ही है, तो उस कंडीशन में, मतलब जैसा था, डायरेक्शन नहीं बदला, तो उस कंडीशन में वेक्टर नहीं बदलेगा। यानी किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल जो है अगर हम डिस्प्लेस करें तो जो वेक्टर होता है वो अनचेंज रहता है। ये एक वेक्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, सवालों में इस्तेमाल होती है, तो ये एक प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, इसी के नीचे लिख देता हूं, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड इफ इट इज, वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू सेल्फ। अगर हम किसी वेक्टर को उसके खुद के पैरेलल लेके चले जाएं, वेक्टर ऐसे है और लेकर के हम ऐसे चले जाएं, तो अगर खुद के पैरेलल हम वेक्टर को लेकर के चले जाएंगे तो जो वेक्टर होता है वो अनचेंज रहता है। अपने ही पैरेलल अगर हम उसको लेकर के जाते हैं तो जो वेक्टर होता है वो अनचेंज रहता है, वेक्टर की वैल्यू अनचेंज रहती है। टाइप ऑफ वेक्टर्स, बहुत तरह तरह के वेक्टर्स होते हैं, तो वो वेक्टर्स क्या क्या होते हैं एक एक करके मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पहला मैं आपको लिखूंगा, पहला जो टाइप ऑफ वेक्टर है उसको मैं बोलूंगा इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। तो भाई वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे, एकदम जैसे क्लियर है कि भाई इक्वल तब होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, और एक इंपॉर्टेंट बात और यह है कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट भी करने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दूसरा किसी और को, मतलब इक्वल वेक्टर होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए एंड दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें मैं लिखता हूं द वेक्टर्स विच हैव, वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन एंड दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन एंड दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। एक समान, हर तरह से एक समान वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है एंड दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये इक्वल वेक्टर हो गए। उसी के बाद इसी के अंदर आता है, जैसे मान लो हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, पहला वेक्टर हो गया ये, दूसरा मैं लिख लेता हूं पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स हम किनको बोलेंगे, जिनका डायरेक्शन सेम हो, भले मैग्नीट्यूड अलग हो, क्वांटिटी अलग हो, फिजिकल क्वांटिटी वो सब अलग हो, लेकिन डायरेक्शन सेम हो। तो इसमें बस इतनी सी बात है, दे हैव सेम डायरेक्शन, इनका जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए पैरेलल अगर हुए तो, ठीक है। तो जैसे इक्वल वेक्टर पता चल गया, पैरेलल वेक्टर पता चल गया, अब दूसरा इसके अंदर आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तीसरा मैं लिखता हूं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उनमें अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो लिख देता हूं मैं दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, दे हैव अपोजिट डायरेक्शन,
हैव अपोजिट डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। अब उसके बाद एक इसके अंदर और आता है अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर वो होते हैं जो वैल्यू में तो बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर 3i कैप है तो दूसरा -3i कैप है, ठीक है, तो इनकी इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया आपका। उसके अलावा और भी कई सारे वेक्टर्स होते हैं, जैसे एक होता है, आंचो मैं लिख देता हूं, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब को मतलब एक साथ, प्लेनर मतलब प्लेन, तो कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका प्लेन सेम हो, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि भाई एक वेक्टर इस ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे, तीनों एक ही प्लेन में है, बोर्ड के ही प्लेन में तीनों आ रहे हैं ना, तो ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये कोप्लेनर कहे जाएंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक ही प्लेन में सारे वेक्टर्स, 50 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो वेक्टर्स होते हैं वो सबके सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, जो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, हर सारे के सारे जो वेक्टर्स होते हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये जो वेक्टर्स हैं कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। को इनिशियल वेक्टर्स जो ऐसे वेक्टर्स, जैसे को वर्ड एकदम क्लियर है कि भाई एक साथ इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट, तो इनका को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ये दूसरा हो गया बी, तीसरा मान लीजिए सी हो गया, तो इन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, जहां से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं तो वो सेम है। तो अब को इनिशियल वेक्टर जैसा कि नाम से एकदम क्लियर है, दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, इन सबका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो सेम होता है। एबीसी जैसे सब एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनको हम को इनिशियल वेक्टर्स कह सकते हैं, दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। उसके बाद एक और इसके अंदर आता है कॉन्करेंट वेक्टर्स। को इनिशियल और कॉन्करेंट में बहुत महीन सा फर्क होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्करेंट वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर्स में क्या होता है, कॉन्करेंट मतलब वेक्टर जो होते हैं वो सब एक ही जगह पे एक ही जगह से पास होते हैं, जरूरी नहीं कि उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तीसरा कोई यहां पे आ गया तो इनका तीसरा जो आया वो ऐसे आया, तो इनिशियल पॉइंट तो सेम है नहीं, लेकिन ये सब एक ही जगह से पास होते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर्स की पहचान ये है कि ऑल दीज वेक्टर्स पास थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही जगह से, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, सब एक जगह से गुजर पड़ते हैं। इनिशियल पॉइंट सेम हो, ये मतलब हो सकता है फाइनल सेम हो, या हो सकता है किसी एक का फाइनल दूसरे का इनिशियल, इस तरह से हो। तो ये जो कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं ये एक ही जगह से पास होते हैं, इनकी पहचान यही है, दे पास थ्रू द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से ये पास होते हैं, ठीक है, ये कॉन्करेंट वेक्टर हो गए। इसी तर्ज पे एक और आता है कोएक्सियल वेक्टर। नाम से क्लियर रहता है, ऐसा जो नहीं कि आप याद करें, जैसे को इनिशियल, को का मतलब एक साथ इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है। कॉन्करेंट वेक्टर्स का मतलब हो गया सब एक ही जगह से पास हो रहे हैं। ऐसे एक और आता है इसके अंदर कोएक्सियल, कोएक्सियल वेक्टर, नाम से एकदम सेम है कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी एक्सिस सेम होती है, ठीक है, वो सब कोएक्सियल वेक्टर्स कहे जाते हैं। द वेक्टर्स दे हैव
same axis of, they have same axis of rotation. कोई एक एक्सियल वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड को एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, इसको याद करने के बजाय अगर आप समझेंगे तो समझ लेंगे मतलब ये जो बातें मैंने बताई। उसके अलावा एक और वेक्टर आता है, कई सारे वेक्टर्स आते हैं, एक आता है नल वेक्टर, नल वेक्टर। जैसे नॉर्मल जो एलजेब्रा होता था उसके अंदर जीरो आता था, जीरो के अंदर मैग्नीट्यूड तो होता नहीं था, उसी तरह से नल वेक्टर भी ऐसा वेक्टर होता है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, यानी इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अच्छा, जीरो जिसके साथ जोड़ दो वही आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो के बराबर होता है और डायरेक्शन जिसके साथ जोड़ोगे उसी का डायरेक्शन ये एज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, नल वेक्टर, नल मतलब नल खत्म। ठीक है, तो नल वेक्टर का मतलब हो गया इट हैज नो मैग्नीट्यूड, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मतलब नॉर्मल फिजिक्स एलजेब्रा में जीरो हम दिखा देते तो, अब चूंकि वेक्टर के अंदर आ रहा है दो वेक्टर घटाओगे तो वेक्टर ही आना चाहिए, तो नल वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और कोई इसका गिवन डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब जैसे कि अगर हम वेक्टर ए में नल वेक्टर को ऐड कर दे, नल वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं जीरो लगा के उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ये जो होगा ये वेक्टर ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये नल वेक्टर हो गया, नल मतलब नल। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है, अभी तक जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई वो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको तीन वेक्टर बताऊंगा, यूनिट वेक्टर, डिस्पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तीन वेक्टर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट वेक्टर सिखाने जा रहा हूं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जैसा कि नाम से एकदम क्लियर है, नाम से एकदम क्लियर है कि यूनिट मतलब एक, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है और डायरेक्शन जो है वो गिवन होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वन होगा, तो इट हैज मैग्नीट्यूड यूनिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन। मतलब जो भी डायरेक्शन है, पूर्व दिशा में है तो पूर्व दिशा का यूनिट वेक्टर हो गया, पश्चिम दिशा है तो पश्चिम दिशा का यूनिट वेक्टर हो गया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो वन होता है और इसका डायरेक्शन दिया जाता है। इसका जो सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का वो इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए हमने वेक्टर ए लिखा और उसमें ऐसे कैप लगा दिया, तो ये यूनिट वेक्टर बताएगा। जैसे हमने ए के ऊपर एक टोपी पहना दी, ए जो है उसके ऊपर एक ऐसे टोपी टाइप की पहना दी, तो ये अब यूनिट वेक्टर हो गया, यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, सॉरी ये इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगा और डायरेक्शन जो भी होगा वो तो पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि क्या डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि पूर्व दिशा में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और पूर्व दिशा के अंदर यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी वेक्टर होगा तो उसमें दो चीजें होंगी। जैसे मान लीजिए दुनिया का कोई भी वेक्टर है ए, तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो उसकी वैल्यू और एक उसका डायरेक्शन। तो उसकी जो वैल्यू है उसको तो हम इस तरह से दिखाते हैं, मॉड लगा देते हैं, मॉड लगा दिया तो उसकी वैल्यू बता दी और उसका डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर से दिया जाएगा। तो हम दुनिया के किसी भी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप ले लो, भाई दो ही चीजें तो होती हैं, एक उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड और एक ऐप जो है उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीजें आती है, एक मैग्नीट्यूड आता है एक डायरेक्शन आता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर का ऐसे दिखाएगा और डायरेक्शन जो है यूनिट वेक्टर से दिखाया जाएगा। तो यूनिट वेक्टर को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये यूनिट वेक्टर है, इसके बारे में कुछ और बातें करें,
थोड़ा मैं बोर्ड क्लीन कर लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। थोड़ा और अच्छे से मैं बोर्ड क्लीन करूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड क्लीन करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने लिखा कि दुनिया का कोई भी वेक्टर जो है उसमें दो ही चीजें होंगी, तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो किसी भी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो भी वैल्यू है, इनटू उसका डायरेक्शन। अब मैं इसी चीज को ऐसे लिखने जा रहा हूं, ए कैप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन ये भी हो गया कि जब मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो आपको यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। जब भी मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो उसके मैग्नीट्यूड, सॉरी मतलब जो भी वेक्टर होगा उसके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा मैं, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, समझना आपको ध्यान से है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं फोर्स निकाल रहा हूं, तो जैसे ये जो ये होगा, ये फोर्स होगा, इसका भी यूनिट न्यूटन होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका भी यूनिट न्यूटन ही होगा। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा और ये यूनिटलेस हो जाएगा। तो दुनिया के सारे यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनका यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ये जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी है वेक्टर और ये भी वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का ही यूनिट आएगा। तो दोनों वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा और यूनिट खत्म हो जाएगा। तो दुनिया के सारे यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं, ऑल यूनिट वेक्टर्स आर यूनिटलेस। ठीक है, तो ये चीज मैं यहां लिख रहा हूं, काम की चीज है, दिमाग में रहनी चाहिए, किसी यूनिट वेक्टर का कभी यूनिट नहीं होगा, ऑल यूनिट वेक्टर्स आर यूनिटलेस। दुनिया में जितने भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो सब यूनिटलेस होते हैं। तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं जो बार बार फिजिक्स में काम आते हैं, आपको पता होंगे, मैं फिर से लेकिन बता दे रहा हूं, ये तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल आते हैं। पहला जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है आई कैप। आई कैप का मतलब हम यहां पर लिखते हैं आई, फिर टोपी पहना दी, कैप लगा दिया, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द x-axis के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप। जे कैप जो आएगा ये होगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और के कैप जो आएगा इट विल बी यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये तीन यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप जो है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप जो होता है वो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप जो है वो जेड डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर होता है।